फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब शंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब CISF की तरफ से नई भर्ती निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा देखते जाइए, शुरू से लास्ट तक देखते जाइए तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये भर्ती निकल के आ रहा है हेड कॉन्स्टेबल GD स्पोर्ट्स मैन एंड ओवेन की भर्ती निकल के आ रहा है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला, ये आप देख रहे हो, और इसका ये रिक्रूटमेंट का वेबसाइट है, ये आप देख रहे हो। इसमें दे दिया जाएगा कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आ चुका है, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो पूरा देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा देख रहे हैं जॉब संग्रह ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला, यहाँ पे नीचे में दे दिया गया है और यहाँ पे भी दे दिया। आप देख रहे CISF हेड कॉन्स्टेबल GD स्पोर्ट्समैन एंड वोमेन वैकेंसी 2021, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप नीचे आ जाना। अपकमिंग जॉब में दे दिया गया, ये आप देख रहे हो, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा, ये आप देख रहे हो, आपके सामने डिटेल्स खुल गया। 19 दिसंबर 2021 मतलब आज का ही अपडेट किया गया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में, ये आप देख रहे हो लेटेस्ट अपडेट्स। 18 दिसंबर 2021 पोस्ट नेम देख रहे हो, हेड कॉन्स्टेबल GD का रहने वाला है। CISF का भर्ती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है ये, आप देख रहे हो। हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2021। तो फिर इम्पोर्टेंट डेट से आप देख रहे हो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन स्टार्ट जल्दी ही, इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 31 मार्च 2022। ठीक है फ्रेंड्स, और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए लास्ट डेट रहने वाला है 7 अप्रैल 2022। तो फ्रेंड्स, ये इम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता ही मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा, कौन सी इम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आ रहा है उसका मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा बाद में। और इसका मैं जब इसका इम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर आ जाए तो इसका मैं ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके बता दूंगा कैसे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये भर्ती आ रहा है इसलिए मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ इस भर्ती। ये आप देख रहे हो, एज लिमिट रहने वाला है 18 साल, मिनिमम एज चाहिए 23 साल, और 1/8/2021 तक आपको एज काउंट किया जाएगा। इसके अंदर में आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल इसके अंदर में होना चाहिए। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस इसमें 100 रुपीज फीस लगेगा ओबीसी यूआर के लिए, और SC ST फीमेल के लिए फीस नहीं लगेगा। इसमें पे आपको एग्जाम फीस IPO या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा ऑफलाइन जब इसका स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ मैं फॉर्म भर के बता दूंगा। पे स्केल अदर अलाउंस आप देख रहे हो, हेड कॉन्स्टेबल GD का भर्ती रहने वाला पे मैट्रिक्स लेवल 4 में आता है। 25,500 से लेके 81,100 प्लस आपको मिलेगा इसमें पे। वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट इसमें 249 पोस्ट रहने वाला है। CISF हेड कॉन्स्टेबल GD स्पोर्ट्स वैकेंसी 2021, ये आप डिटेल्स देख रहे हो। ये सीरियल नंबर आप देख रहे हो 1 से लेके 15 तक का भर्ती है, ये आप देख रहे हो। डिसिप्लिन एथलेटिक्स में मेन्स का देख रहे हो 52 पोस्ट दिया गया है, फीमेल के लिए 38 पोस्ट है। बॉक्सिंग में देख रहे हो मेल के लिए 8 पोस्ट है और फीमेल के लिए 10 पोस्ट दिया गया है। बास्केटबॉल में मेल के लिए है 8 पोस्ट। जिमनास्टिक में आप देख रहे हो 5 पोस्ट है मेल के लिए। फुटबॉल में है 10 पोस्ट मेल के लिए। हॉकी में देख रहे हो 15 पोस्ट है मेल के लिए। हैंडबॉल में देख रहे हो 6 पोस्ट है मेल के लिए। जूडो में देख रहे हो 7 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए है 4 पोस्ट। ठीक है, कबड्डी में आप देख रहे हो मेल के लिए 7 पोस्ट और वोमेन्स के लिए है 8 पोस्ट। शूटिंग में देख रहे हो मेल के लिए 3 पोस्ट और वोमेन के लिए 1 पोस्ट। स्विमिंग में देख रहे हो मेल के लिए 17 पोस्ट है और वॉलीबॉल के लिए है 5 पोस्ट। और वेट लिफ्टिंग के लिए देख रहे हैं मेल के लिए 16 पोस्ट और वोमेन के लिए है 7 पोस्ट। रेसलिंग के लिए आप देख रहे हैं मेल के लिए 14 पोस्ट। टाइकोंडो आप देख रहे हो मेल के लिए है 8 पोस्ट। टोटल फ्रेंड्स में 249 पोस्ट रहने वाला है टोटल। ठीक है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स आप देख रहे हो फ्रेंड्स, नेम ऑफ पोस्ट हेड कॉन्स्टेबल रहने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट 249 पोस्ट रहने वाला है टोटल। एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं 12 पास चाहिए इसमें और बाकी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं उसका आप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया, आप देख लेना अच्छे तरह से। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल के साथ मेंशन किया, आप वहाँ से जाके डिटेल्स देखते हो। CISF हेड कॉन्स्टेबल GD फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला। टेस्ट आप देख रहे हो, हाइट सारे के लिए चाहिए, मेल के लिए 167 सेंटीमीटर और वोमेन के लिए 153 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट फॉर ST के लिए रहना चाहिए आप 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर। चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट के लिए चेस्ट रहने वाला 81 सेंटीमीटर से लेके 86 सेंटीमीटर तक चाहिए चेस्ट। ठीक है, मेल के लिए, और चेस्ट फॉर ST के लिए 81 से लेके 86 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, इंपोर्टेंट लिंक्स आप देख रहे हो, डेटा पब्लिश 19/12/2021 को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ने अपलोड कर चुका है, आज का अपलोड है। और इसका ऑफलाइन फॉर्म यहाँ से क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी यहाँ से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से क्लिक कर आप जा सकते हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर आप ज्वाइन हो सकते हो। और हमारा सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसका
लास्ट डेट रहने वाला 31 मार्च 2022। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका नोटिफिकेशन की ओर आपको लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है, यहाँ पे दे दिया गया लास्ट डेट, देख रहे हो सारा डिटेल इसमें दे चुका है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, तो अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा। मेन पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ, ये बहुत सारा पेज है इसमें, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये आप देख रहे हो, इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, तो ये भी बहुत सारे पेज है, आप देख लीजिए। फ्रेंड्स अभी मैं इसका थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये हमारा थंबनेल रहने वाला, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो। तो फ्रेंड्स ये militaryabharti.com हमारा न्यू वेबसाइट है, militaryabharti.com हमारा न्यू वेबसाइट है, इस पे भी दे दी गया है, आप इसमें डिटेल्स पढ़ सकते हो, सारा डिटेल इसमें मिलते रहेगा आपको भी, तो इसपे ये भी आप विजिट करते रहिए। तो फ्रेंड्स सारा डिटेल्स वीडियो में बता चुका हूँ, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन दोनों डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, ऐसे नहीं भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।